नमस्कार दोस्तों, गो विद नेचर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास की तीसरे अध्याय की कथा सुना रही हूँ। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रद्धा के साथ सुनने से बिना उपवास किए भी इसका फल बहुत मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, नरसखा नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई, आप उसे विस्तार से हमें सुनाई। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा, वह सब मैं उसी तरह आपको सुनाता हूँ। नारायण ने कहा, हे नारद, सुनो, श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो भी कहा, वह इस प्रकार था। एक बार धर्मराज अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन आदि ने कपट करके जुए में हरा दिया, और दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। इसके उपरांत प्रतिज्ञानुसार पांडव राज्य का त्याग करके काम्यक नामक वन को चले गए। वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में पधारे। तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने लगे। वे भगवान के प्रेम विहल होकर मिले और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार सिर नमाया। भगवान बहुत दुखी हुए। तब भक्त वत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस बीभत्स रूप को देखकर कांप उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी ने तब भगवान को हाथ जोड़कर स्तुति की। अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हो, मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, तब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? सांसारिक कोप को आप दूर कीजिए, आप तो इन सारी बातों को जानते ही हैं प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री नारायण कहने लगे, इस तरह अर्जुन को करबद्ध विनती एवं बार बार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तब पांडवों ने भी संतोष माना और उनके भयभीत मुख थे वह फिर से खिल उठे। श्री नारायण बोले कि फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया जो आपने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने दो घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया, इसका उत्तर देने में मैं अपने को समर्थ पाता हूँ। चैत्राधिक मास, टूटे हुए पक्ष, नाड़िकाएं, याम, त्रियाम, ऋतु, मुहूर्त, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, परार्ध, अंत और इनसे भी परे नदी, समुद्र, झील, कुएं, बाबड़ी, पल्लव, निर्झर, लता, वृक्ष, औषधि वृक्ष, बांस वृक्ष, वनस्पति, पुर, ग्राम, नगर, पर्वत आदि सबके सब मूर्तिमान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य हैं। इन सब में कोई नहीं जो अपूज्य और स्वामी रहित हो। हे पांडुपुत्र, इनमें एक समय अधिक मास की भी उत्पत्ति हो गई। सब लोकों में लोग उसे अनाथ और स्वामीहीन, निंदनीय, अपूज्य और मलमास, रवि संक्रांतिहीन आदि नाम से पुकारते थे। शुभ कार्यों के लिए इसे त्याज्य कहकर निंदा की गई। ऐसी निंदा एवं अपमान के वचन सुनकर अधिक मास तेजहीन और निरुद्योगी दुखी हो गया। फिर अत्यंत चिंतित होकर मरणासन्न हो गया। तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझा कर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह बैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबद्ध हो अपने नेत्रों में अश्रु भर लिया। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्मनि अधिक मासस्य बैकुंठ प्रयाण नाम तृतीयोध्याय संपूर्ण। तो दोस्तों, तीसरा अध्याय समाप्त हुआ है। इस कथा को सुनने से ही बहुत सारे पुण्य मिलते हैं और अधिक मास के व्रत उपवास का पूर्ण फल मिलता है। तो आपको ये वीडियो
वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अगले दिन मैं आपको चौथे अध्याय की कहानी बताने वाली हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।